हेलो फ्रेंड, मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विथ विजया में। दोस्तों, जो आज जिस प्लांट के साथ मैं आप सभी के सामने आज आई हूँ वो है मेरा गुड़हल का प्लांट। तो दोस्तों देखिए, ये मई का महीना चल रहा है, आज 6 मई है। देखिए मेरे जो है गुड़हल का प्लांट कितना अच्छा हुआ है और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो किस तरह से हम अपने जो है गुड़हल के प्लांट को इस तरह तैयार करें कि हमारा जो है गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता रहे और पूरे साल बहुत अच्छा फूल देता रहे और एक हेल्दी जो है गुड़हल का पौधा बना रहे। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कुछ टिप्स और केयर, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो है गुड़हल के प्लांट को कैसे हम अपने घर में लगाएं और कैसे इसकी देखभाल करें कि इसका पेड़ बहुत ही हेल्दी बना रहे और इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें जो है गुड़हल का पौधा लगाते समय जो है अपने पॉट का जो चुनाव करना चाहिए, थोड़ा बड़े पॉट का चुनाव करना चाहिए। 14 इंच से बड़े पॉट में जब अगर हम इसे जो है प्लांट को लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हमें फ्लावर देगा और इसका पेड़ जो है बहुत ही बुशी भी बनेगा। 14 इंच से छोटे पॉट में तो लगाएं ही ना, उससे बड़ा जो है पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो है एक जो ऑयल कंटेनर जो है बड़ा ड्रम होता है जो उसी का जो है मैंने एक बड़ा साइज वाले ड्रम के 3 पार्ट किए हैं, ये मेरा जो है उसमें लगा हुआ। आज ये मेरा लगभग जो है 3 ईयर का पौधा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बुशी और कितना घनी और कितना बड़ा हो गया है। तो जब हम थोड़ा बड़ा पॉट का चुनाव करते हैं कंटेनर गार्डनिंग करते समय, तो ये उससे ये होता है कि जो है सबसे पहले हमारा पेड़ बहुत हेल्दी होता है। काफ़ी बड़ा प्लांट होता है इसके ग्रो करने के लिए, तो इसे जो है जब सही जो है जगह एक सही जगह मिलती है तो ये बहुत अच्छे से जो है ग्रो करता है। और इसके जो है इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पूरे दिन की सनलाइट आती रहे। तो गुड़हल के प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट प्रिय है, बिना जो है सनलाइट के इसके जो है फ्लावरिंग भी नहीं होगी और जो है इस पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। खाद इसकी जो है खाद जो हम बनाते हैं वो ऑर्गेनिक रूप से जो है बहुत ही रिच होनी चाहिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम जो है पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉट की मिट्टी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो है उसमें पौधों की जड़ें में पानी कभी रुके नहीं। हाँ, आवश्यकता हो तो हमें जो है पानी देने का तरीका ज़रूर बदल देना चाहिए। जैसे कि गर्मियों के दिन में अगर हम पॉट में लगाए हुए हैं, ज़रूरत हो तो आवश्यकता के हिसाब से हमें सुबह शाम दोनों समय जो है पानी देना पड़े तो देना चाहिए, क्योंकि ये जो गुड़हल का प्लांट है इसको जो है बड़ा प्लांट है तो इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे हम अगर छोटे जो है उसमें भी लगाएं तब भी हम चेक कर लें अगर इसको पानी की ज़रूरत हो तो इसको जो है शाम के समय भी पानी डालें। बाकी मानसून के सीज़न में जो है जिस हिसाब से बारिश हो और उसके बाद जितना सूखा हो मौसम, हमारा पॉट जितना सूखा हो उस हिसाब से जो है हमें अपने पौधों को पानी देना चाहिए। इसकी सॉइल बहुत ही ऑर्गेनिक रूप से रिच होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। देख लीजिए इसमें कितनी बड्स और कितनी कलियाँ लगातार बनती ही जा रही हैं। देखिए एक एक छोटी सी टहनी में लगभग 3-3 चार-चार जो है बड्स बनी हुई हैं। तो कोई भी प्लांट जो बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है उसके लिए बहुत ही अधिक जो है पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, अतः इसलिए जो है हमें अपने पौधों को फर्टिलाइज़र का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है इसमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र, जैसे अपने घर में बना हुआ बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, ओनियन पील फर्टिलाइज़र हो गया, सरसों की खली वगैरह, हमें 15-15 दिन में इनको देते रहना चाहिए ताकि हमारा प्लांट लगातार जो है फ्लावरिंग करे। दोस्तों, इसमें जो है इस पौधे में अगर रोग की बात करें तो इसमें जो है ये हमारे गर्मियों की शुरुआत में मार्च अप्रैल में इसमें मिलीबैग का अटैक होता है जो कि गुड़हल के पौधों की को पूरी तरह से ख़त्म भी कर देता है अगर हम इसका ना ध्यान दें। तो गुड़हल के पौधों को जो है हमें केयर हमेशा जो है इसको आसानी से इसको जो है कुछ कुछ समय में चेक करते रहना चाहिए कि इसमें मिलीबैग का अटैक तो नहीं हुआ है या कोई भी अन्य जो है कोई बीमारी तो हमारे पौधे में नहीं लग रही है। तो उसको देखने के लिए हमें जो है मिलीबैग के तुरंत ही उपचार करना चाहिए। यही एक ऐसी बीमारी है मिलीबैग जो कि हमारे पौधों को पूरी तरह अगर हम ध्यान ना दें तो पूरी तरह से गुड़हल के पौधों को ख़त्म कर देती हैं। तो इसका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, हमें अपने पौधों को जो है चेक करते रहना चाहिए। और जहाँ तक है कि हमें इसमें जो है कम से कम 1 हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में लगातार जो है
15 दिन में जो है रूटीन वाइज जो है हमें नीम स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमारे पौधे को थोड़ी बहुत जो एकदम हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों अपने गुड़हल, आप भी अगर अपने जो है गार्डन में पॉट में जो अपने गुड़हल के पौधों को जो है लगाए हुए हैं तो उनको जो है ज़रूर मेरे बताए तरीक़ों को तरीके से जो है उनकी देखभाल करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो है ये हमारा गुड़हल का पौधा जो होता है इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा एसिटिक होता है, तो जितने ही फ्लावरिंग करने वाला ये एसिटिक नेचर का प्लांट है, इसलिए जो है इसमें जो है इसमें जैसे चाय की पत्तियों की खाद है और जो है बनाना पील फर्टिलाइज़र है, फ्लावर फ़ायदा करती है। तो दोस्तों ये मेरे जो है गुड़हल के पौधे के फ्लावरिंग जो करता है बहुत ही अच्छी करता है उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। अगर आपको ये जो है जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।